असलम टू एरी वन तो इसलिए में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुछ नए जॉब्स के बारे में तो मैं आपको बता दूं तो, एक नई नोटिफिकेशन आई है जिसमें नॉन टीचिंग पोस्ट हैं अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो या किसी भी स्टेट से हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो इसमें कुछ क्लास फोर्थ पोस्टस भी है और कुछ हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले पोस्टस भी हैं अप्लाई कहाँ से करना है आपको नोटिफिकेशन आपको कहाँ से मिलेगी सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन पोस्ट के बारे में सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि, कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना इसके अलावा मैं आपको बता दूं अगर आप हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ से देख सकते हो ये जो नोटिफिकेशन है ये आई है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से तो मैं आपको बता दूँ इसमें आपका एग्ज़ाम होने वाला है और जो एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी एजेंसी उसका नाम है नेशनल टेस्ट एजेंसी एन की तरफ से इसका एग्जाम कंडक्ट होता है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे पोस्ट आए हैं तो ऑब्वियसली कुछ टेंथ पास ट्वेल्थ पास पोस्ट भी है और कुछ हायर एजुकेशन वाले पोस्टस भी है तो चलिए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट है और इसके लिए डेट्स वगैरह क्या रहने वाले हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले इन्होंने नोटिफिकेशन में डेट्स वगैरह मेंशन किए हुए हैं तो यहाँ पे देख सकते हो आप एप्लीकेशन फॉर्म जो सबमिट होने वाले हैं इसके लिए वो फ़र्स्ट आप दिसंबर से हो जाएंगे और इक्कीस दिसंबर इसका लास्ट डेट रहेगा उसके बाद यहाँ से आपको पेमेंट वगैरह करनी पड़ेगी इसके लिए लगभग थाउजेंड रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे उसके बाद मैं आपको बता दूँ इसका एग्ज़ाम हो जाएगा आपके एडमिट कार्ड्स वगैरह आ जाएंगे तब मैं आपको नोटिफाई कर दूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से इसके लिए प्रोसेस रहने वाली है सब कुछ इसमें मैंशन किया गया अब अगर हम पोस्ट की बात करेंगे तो यहां से आप देख सकते हो लगभग डिफरेंट पोस्ट आए हैं हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसीज हैं तो यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है वो है फोर्टी एट यहाँ से आप देख सकते हो अगर हम एक एक करके बात करेंगे पोस्ट की तो यहाँ से आप देख सकते हो सिस्टम एनालिस्ट उसके बाद पब्लिक पाद रिलेशन ऑफिसर हिंदी ऑफिसर असिस्टेंट रजिस्ट्रार प्राइवेट सेक्रेटरी उसके बाद सिक्योरिटी ऑफिसर हिंदी ट्रांसलेटर जूनियर इंजीनियर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे पोस्ट है लगभग अपर डिविजन क्लर्क टेरी असिस्टेंट लाइब्रेरी असिस्टेंट यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदी टाइपिस्ट ड्राइवर तो मतलब क्लास फोर्थ और कुछ पोस्ट भी है इसमें तो टोटल आपके 48 एट पोस्ट बन जाते हैं अब अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो हर एक पोस्ट के लिए डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिस्टम एनालिस्ट के लिए अगर आपने बी किया हुआ है तब आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हो उसके बाद अगर हम पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की बात करेंगे तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री रहेगी अगर आपने मास्टर्स डिग्री की हुई है मास कम्युनिकेशन में तब आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हो उसके बाद हिंदी ऑफिसर की बात करेंगे तो मास्टर्स डिग्री अगर आपने हिंदी में की हुई है या इंग्लिश में तब आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हो उसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो मास्टर डिग्री इसी तरीके से आप बाकी पोस्ट का यहाँ से देख सकते हो एक एक करके अगर मैं डिस्कस करने बैठूँ तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए आप खुद भी यहाँ से नोट डाउन कीजिए आप देख सकते हो यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर के लिए अगर आपने बैचलर्स डिग्री की हुई है तब आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हो अब बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरे पोस्ट के लिए भी बैचलर्स डिग्री ही रहेगी इसके बाद सिक्योरिटी ऑफिसर की बात करेंगे तो इसमें भी बैचलर्स ही रहेगी यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो उसके बाद हिंदी ट्रांसलेटर की बात करेंगे तो इसमें मास्टर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए उसके बाद जूनियर इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग जूनियर इंजीनियर की बात करेंगे तो बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग सेम क्वालिफिकेशन है दोनों पोस्ट के लिए उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो बैचलर डिग्री पर्सनल असिस्टेंट के लिए भी सेम ही रहने वाली है इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हो सीनियर असिस्टेंट के लिए इसमें आपकी बी टेक क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए तब आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हो आप इसलिए अपलाई कर सकते हो उसके बाद यहाँ पे एस्टेंट की बात करेंगे तो इसमें भी बैचलर्स डिग्री इन स्टेस्टिक्स होना चाहिए तब आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हो उसके बाद अपर डिवीजन क्लर्क की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके लिए भी बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो उसके बाद एस्टेंट की बात करेंगे फिर से बैचलर्स डिग्री इन फिज़िकल आर लाइफ साइंस उसके बाद और एक पोस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइब्रेरी असिस्टेंट इसमें आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बैचलर्स डिग्री रहने वाले है लोअर डिजिजन कलर की बात करेंगे तो इसमें भी बैचलर्स डिग्री उसके बाद हिंदी टाइपिस्ट की बात करेंगे तो बैचलर्स डिग्री और थर्टी वर्ड्स पर मिनट आपकी हिंदी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए उसके बाद मल्टी स्टाफ की बात करेंगे तो वो तो आपको ऑलरेडी पता है कि टेंथ पास पोस्ट हमेशा होता है अगर आपने टेंथ पास आउट किया हुआ है तब आप इसके एलिजिबल बन जाते हो उसके बाद ड्राइवर की बात करेंगे तो इसमें भी टेंथ पास ही रहेगा क्लास फोर्थ पोस्ट है उसके बाद लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करेंगे तो ट्वेल्थ पास पोस्ट है यहाँ से आप देख सकते हो अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ट्वेल्थ है तब आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हो उसके बाद लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करेंगे तो इसमें भी टेन प्लस टू आप देख सकते हो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है यहाँ से आप देख सकते हो इसके लिए एग्जाम हो जाएगा आपके लिए तो मैं आपको बता दूँ सी आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो किस तरीके से आपका एग्जाम वगैरह होगा ये यह सब यहाँ पे मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अब हम डायरेक्टली बात करते हैं इन पोस्ट के लिए आपको किस तरीके से अप्लाई करना है और कहाँ से अप्लाई करना है लिंक ऑलरेडी एक्टिवेट कर दी गई है तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से आपको अप्लाई करना है और किस तरीके से अप्लाई करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो नॉन टीचिंग स्टाफ है इसके लिए अगर आपको अप्लाई करना होगा एग्जाम डॉट एन टी ए डॉ ए सी डॉट इन ए इन ऑफिशियल वेबसाइट है या आप दूसरी वेबसाइट से भी कर सकते हैं सी यू आर ए सी टी डॉट एन टी एनलाइन डॉट इन या डब्ल्यू 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 डॉट एम जी सू बी डॉट ए सी डॉट इ तो इन तीन वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हो और वहाँ से आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी डायरेक्टली आप डाउनलोड भी कर सकते हो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट रहता है या आपको कुछ पूछना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो वाट्सअप के थ्रू वाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके तो मिलते हैं किसी अगले रूम में किसी और टॉपिक पर तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़